हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस दिया। सो टुडे इज़ माय बर्थडे। तो पहले हम लोग का प्लान बना था कहीं और जाने का और आसपास की जगह एक्सप्लोर करते, आपको दिखाते, बट आज मौसम ऐसा हो गया है। मौसम सुहाना भी है लेकिन घूमने लायक थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम लोग लोकल साइट विजिट पर जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था 5-स्टार होटल TTR, तो आज हम आपको उसके अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ TTR। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सेक्टर 6 परवानू डिस्ट्रिक्ट सोलन में रहते हैं, तो ये हमारा लोकल एरिया है, हमारी कॉलोनी है। अब हम सीधे जा रहे हैं TTR, जो कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। नीचे अपर में एक बहुत बड़ा होटल है जिसको हिमालयन मॉक्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको नीचे वाले रेस्टोरेंट में लेके चलते हैं जिसका नाम है टिम्बर ट्रेल, जिसको TTR के नाम से फेमस है। तो हम लगभग पहुंच गए हैं, ये हमारा मेन गेट है TTR का। सो यहाँ से हमारी एंट्री होगी और यहाँ पे दो रास्ते हैं पार्किंग के लिए। ये मेन वाली पार्किंग है जहाँ आप देख सकते हैं गाड़ियों की भरमार है। अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, इसके नीचे भी स्टेप बाय स्टेप 3 फ्लोर बने हुए हैं पार्किंग के। देख सकते हैं काफ़ी रस है यहाँ पर, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। 3 लेवल पर पार्किंग है, इसके नीचे 2 पार्किंग और है। और अब हम चलते हैं TTR के अंदर। काफ़ी सुंदर व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पर TTR का मेन गेट है। ये अब हम अंदर जा रहे हैं TTR के। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है, ये हमारे जो है लोअर डेक है जिस पर अब हम जा रहे हैं। हमारे राइट साइड में बार है और ये लोअर डेक पर आप खाने और पीने दोनों का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत डेक है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये ज्ञान ने अपनी सीट कब्जा ली है, काफ़ी बार आ चुका है यहाँ पर, इसको पता है कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है। काफ़ी खूबसूरत जगह पर बनाया हुआ ये रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा और सुंदर रेस्टोरेंट है, आप एक बार ज़रूर विजिट करें यहाँ पर। तो इन व्यूज़ का आप अगर अच्छे से आनंद उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मज़ा लेना चाहते हैं, तो ये रूम्स आप बुक कर सकते हैं। ये आपको 4000 से 8000 तक के बीच में पड़ेंगे। अलग अलग साइट में आपको अलग अलग प्राइस मिलेगा। चलिए अब हम अपर डेक की तरफ चलते हैं, आपको अपर डेक से खूबसूरत व्यूज़ दिखाते हैं। क्योंकि कियान काफ़ी बार यहाँ पर आ चुका है तो उसको सारे रास्ते पता हैं कहाँ पर खाना है, उसको पता है खाना खाने का। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल है, ये पूरा डेक है, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है और ये पूरा डेक है। यहाँ पे आपके लिए रेस्टोरेंट, बार और स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है, लेकिन स्विमिंग पूल यूज़ करने के लिए आपको यहाँ स्टे करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं होटल के रूम काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, हवादार है, पीछे से व्यू भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसमें स्टे करते हैं तो आपको स्विमिंग पूल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज स्विमिंग पूल आप यूज नहीं कर पाएंगे। और ये हम अपर डेक पर पहुंच गए हैं, ये हमारा मेन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको बार और खाने के लिए रेस्टोरेंट अवेलेबल है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे आप देख सकते हैं एक ओपन स्पेस है जहाँ से आप व्यूज़ का काफ़ी अच्छे से मज़ा ले सकते हैं, और जो साइड में आपको दिख रहा है ये पूरा शेडेड है,
जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल में कभी भी बारिश हो जाती है, कोई बारिश का भरोसा नहीं रहता है। तो आप अगर ओपन में बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मज़ा ले सकते हैं, और अगर आप शेडेड में बैठना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कियान कितना एंजॉय कर रहा है, इसको पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। कियान का बस नहीं चल पा रहा है, नहीं तो वो इसमें कूद जाए। और आप देख सकते हैं कियान अपनी ही मस्ती में गुम है, इसने अपनी ही अलग ही दुनिया बसाई हुई है। और अगर आप इधर देखें तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग बाहर से आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं एंजॉय करने, बर्थडे मनाने, अपनी पार्टियाँ एंजॉय करने, तो काफ़ी रस रहता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोप वे भी अवेलेबल है, जो कि ऊपर एक होटल है हिमालयन रिसोर्ट के नाम से, वहाँ से ये नीचे को कनेक्ट करती है, नीचे वाले TTR को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस केबल कार में 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं, जिसका पर पर्सन किराया आपको 1000 पड़ेगा। और इसमें जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर रूम बुक करें, अगर आप ऊपर के व्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो जब हम समर सीज़न में आए थे, ये तब का वीडियो है, हमने ये अप्रैल में विज़िट किया था। तो अप्रैल में तो आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ एकदम क्लियर व्यूज़ हैं, यहाँ से आपको ऊपर का मोक्ष होटल भी क्लियर दिखाई देगा। अब टाइम आ गया है कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने का, तो अब हम कुछ ऑर्डर कर देते हैं खाने के लिए। और ये जो हमने ऑर्डर की थी चाउमीन वो आ गई है। और आप यहाँ पर जब भी आएँ सोच समझ कर खाने के लिए ऑर्डर करें। यहाँ के खाने के बारे में मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, यहाँ पे आप कभी भी पास्ता तो ऑर्डर बिल्कुल भी मत करिएगा। पास्ता एक बार हम लोगों ने खाया था, बहुत ही बेकार था। फर्स्ट टाइम हम जब आए थे तब हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, वो टेस्टी था और चाउमीन अच्छा लगा। इसके अलावा इसलिए हम दोनों ने कुछ और ऑर्डर नहीं किया। यहाँ पर जो पास्ता है या कोई भी आइटम है, यहाँ का जो भी आइटम है वो बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए सोच समझ कर ऑर्डर कीजिएगा। हम सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा ही खाएँ, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कम आते हैं, घूमने के लिए ज़्यादा आते हैं। तो आज सुरभि का बर्थडे है, तो आइए हम इस केक के साथ इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसके फ्यूचर लाइफ के लिए इसको विश करते हैं। विश यू हैप्पी बर्थडे सुरभि। और आप देख सकते हैं कियान का पूरा ध्यान केक की तरफ है, अगर इसको केक नहीं खिलाया तो ये बुरा मान जाता है, तो इसलिए इसको भी केक खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं यह है ओवरव्यू अपर डेक का, ये देखिए ओपन एरिया में हम बैठे हुए हैं, सामने आपको कवर्ड एरिया दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छी सीटिंग व्यवस्था है यहाँ पर। और ये देखिए कवर्ड एरिया, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से भी, अगर बारिश होती है तो यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा अवेलेबल है, यहाँ पर आप बैठकर खाने पीने का मज़ा ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। ये आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कवर्ड एरिया से, काफ़ी बाहर फोग है तो काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और ये देखिए कियान ने क्या कर दिया है, आइए चलते हैं देखते हैं क्या किया है कियान ने। ये तो सुरभि का फ़ोन को पानी में डाल दिया, वाह, तो भिगो भिगो के मारा है फ़ोन को कियान ने, खेल खेल कर पानी में डाल दिया है फ़ोन। और अब ये देखते हैं फ़ोन ख़राब हो गया है या क्या हुआ है, क्या हुआ फ़ोन में? बस उसको मैंने दिया था वीडियो देखने के लिए और उसने अपनी शैतानी दिखा दी,
मेरा फोन पानी में डाल दिया। क्या बताऊँ कि शरारत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, हम दो मिनट के लिए भी इसको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। इसने क्या किया? कुछ ना कुछ इसको कांड करना है, मेरा फोन पानी में गिरा दिया। और अब इतनी शैतानी करके शांत होके बिल्कुल ऐसे भोला बन के बैठा हुआ है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये इसकी खतरनाक मासूम शक्ल, ऐसे ही काम करता रहता है, शैतानी करता रहता है और बस काम फैलाता रहता है। बस अब इसको लग रहा है कि कैसे मैं अपने मम्मी पापा का ध्यान इधर उधर भटका लूं। एक बार फिर हम वापस लोअर डेक पर आ गए हैं। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। एक बार आप भी यहाँ पर आकर ज़रूर विजिट करें, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अच्छा है, आपको अच्छे व्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम वापस अपने घर चलते हैं, जबकि कियान जाने के लिए रेडी नहीं है। ये देखिए वापस अपना हाथ खींच रहा है बार बार। अगर आपको वाइन पसंद है, अलग अलग तरह की पेस्ट्री पसंद है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।